बहुत सारे लोग जिनको ये कॉन्फिडेंस है दैट दे आर अबव लॉ, वो इतना दौड़ रहे हैं कि देश के बाहर भी दौड़ गए, बाउंड्री वाउंड्री क्रॉस करके निकल गए, हाँ, लेकिन दौड़े जा रहे हैं, कहाँ तक देखो दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, नीरव मोदी हैं, अपने विजय माल्या हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन बचे नहीं हैं, आप रोज न्यूज में देख रहे हैं, कानून की क्लचेस से बचे हैं क्या, तो क्यों दौड़ रहे हैं? और दूसरा एक और भ्रम जो लोगों में है, एक बड़ा फॉल्स कॉन्फिडेंस है जो आपने बचपन से अब तक सुना होगा, अरे कानून क्या करेगा, एकदम लचर कानून है अपने देश का, कानून में कुछ दम नहीं है, ताकत नहीं, सुना है ना ये सब स्टेटमेंट? हाँ, ये तो आपने उल्टा सुन लिया, लंबे वाले हाथ तो मैंने बताए विजय माल्या तक पहुंच रहे हैं, नीरव मोदी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को विश्वास है, ये तो सिर्फ लोग समझते फिल्म का डायलॉग है, कानून के हाथ लंबे हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा है ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग है, जनरल परसेप्शन क्या है, अरे कानून वानून कुछ नहीं करेगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भ्रम पालिएगा मत कि कानून क्या करेगा, देश का कानून तो बेकार है, कितना क्राइम हो रहा है, न्यूज़पेपर उठाओ तो क्राइम ही क्राइम दिख रहा है, टेलीविजन की न्यूज़ सुनो तो इतने रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फलाट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर वो न्यूज़पेपर में छप रहा है, न्यूज़ का मटेरियल बन रहा है, रेडियो का न्यूज़ का मटेरियल बन रहा है, तो ये बात आप प्लीज समझिए कि वो रेयर है, बिकॉज न्यूज वही बनती है जो रेयर होती है, बड़ी कॉमन सी चीज की कभी न्यूज नहीं बनती। आपने कभी कोई ऐसी बैनर हेडलाइन न्यूज़पेपर में पढ़ी है कि आज निशित भैया की मम्मी ने घर में खाना बनाया? अरे भैया बना रहे हो तो रोज ही बना रही है, इसमें नया क्या है, न्यूज क्या है? हाँ, अमित के पापा ने आज अमित को बहुत डांटा, क्या न्यूज है इसमें, रोज ही डांट खा रहे, बचपन से डांट खा रहे, डांट खा खा के इतने बड़े हुए, न्यूज क्या है, न्यूज नहीं है ना। न्यूज तो वो है जो रेयर है, और कमाल की बात ये है कि ऐसे कैसे वो न्यूज आपको इतना इन्फ्लुएंस करती है कि आपको लगने लगता है कुछ कानून वानून नहीं, लेकिन आप इतने बड़े हो गए, इसी भारत देश में जी रहे हैं, रोज घर से बाहर निकल रहे हैं, कॉलेज तक आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आपका तो कोई कानून भंग नहीं हो रहा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस लूटिंग, कि घर से बाहर निकलते किसी ने लूट लिया आपको? हाँ, हाउ मेनी ऑफ द गर्ल्स हैव एक्सपीरियंस कि बाहर निकले और बस चार छह प्रीडेटर्स घूम ही रहे हैं कि लाओ पकड़ लें उठा लें, ऐसे कहां आप देख रहे हैं, आप कहां देख रहे हैं कि आपने जो घर खरीदा दूसरे दिन कोई दूसरा उस घर में आ गया? अरे भाई आपका ताला लगा, नेम प्लेट लगा, एवरीबॉडी इज बिलीविंग दिस इज योर हाउस, तो कानून है ना, कहां कोई ऐसी लूट खसोट हो रही है, ये रेयर है, वंस इन अ वाइल एक्सेप्शनल है, हो रहा है। इतना इन्फ्लुएंस होके ऐसे फॉल्स बिलीफ में मत जी लीजिए कि कानून वानून कुछ नहीं है, देश तो बेकार है, हमारे देश में तो कानून कुछ है ही। अरे अगर इतना कम कानून है, इतना कमजोर है, तो क्यों ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स भागे फिर, किससे डर रहा है वो दाऊद इब्राहिम जो भारत की धरती पर कदम नहीं रख पा रहा डर के मारे, किससे डर रहा है? Who is he afraid of? इट्स दिस लॉ। अगर ये इतना कमजोर है, दूसरा एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है, सब कुछ बिक रहा है हमारे देश में, तो सब बिकाऊ है, जज भी बिक रहे हैं, कोर्ट भी बिक रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप कोर्ट गए तो वहां
कोर्ट नहीं है, एक कोई मेन्यू कार्ड छपा हुआ है, इतने रुपए में ये जज बिक रहा है, उतने रुपए में ये पुलिसमैन बिक रहा है, ये जजमेंट का इतना रुपया है, इसमें दो और जजमेंट ले जाओ। ये भी एक फॉल्स परसेप्शन है। कम आउट ऑफ दिस, दिस इज ऑल वेरी, आई फील इट्स वेरी एडियोटिक। और क्यों लोगों को समझ में नहीं आता, सामने एग्जाम्पल्स हैं आपके। अगर इतना सब कुछ बिक रहा है तो हमारे देश का पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर क्यों अंदर है? वो तो फाइनेंस से ही डील कर रहा है, और चार्ज ही है कि बहुत सारा फाइनेंस इकट्ठा कर लिया है, यही तो आरोप है ना। तो वो क्यों नहीं खरीद पा रहा जिसके पास इतने सारे पैसे हैं? देश का पूर्व वित्त मंत्री, चार्ज ये है कि बहुत सारा वित्त इकट्ठा कर लिया, इसीलिए तो अरेस्ट। तो भाई क्यों नहीं खरीद पा रहे? देश के पूर्व रेल मंत्री, बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद जी क्यों नहीं खरीद पा रहे? ये विजय माल्या, नीरव मोदी भागे क्यों? फिर क्यों नहीं खरीद लिया उन्होंने? अरे यार एक जजमेंट जरा देना, कितने का है, तो जाना नहीं पड़ता ना इतनी दूर, यहीं खरीद खराद के सब बराबर कर लेते। फिल्म स्टार्स, क्यों संजय दत्त को इतने दिन अंदर रह के आना पड़ा? क्यों सलमान खान को एक हिरण मारने के लिए इतने वर्षों से लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? सब कुछ बिक रहा है तो क्यों नहीं खरीद ले रहे? अगर सब दूसरा परसेप्शन है, वो बड़ा आदमी है भाई, हम उससे कैसे लड़ें? अरे तो ये क्या छोटे छोटे हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं। कभी लोग कहते हैं बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड है, तो ये क्या पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है? सुब्रत रॉय सहारा बेल ही नहीं हुई इतने दिन तक, अभी जाके जब इतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ी तब जाकर बेल हुई। तो ये सब भ्रम हटा दीजिए मन से। एज ए लॉयर यू आर गोइंग टू बी अ सोल्जर ऑफ लॉ, बिलीव इन लॉ। मैं नहीं कहता कि एक्सेप्शन नहीं होंगे, जरूर होंगे, एबरेशंस हर जगह होते हैं, ब्लैक शीप हर जगह होते हैं, पर वो रेयर है ना, रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है। तो कोई अगर मुझसे आर्ग्यू करे, अरे नहीं सर मैं तो खुद भुगता नहीं, मुझसे मांगा पैसा, तो भाई मांगा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, समाज है, ब्लैक शीप हर जगह है, पर हैव दैट बिलीव दैट इट इज एक्सेप्शन नॉट द रूल। और अगर किसी एक अथॉरिटी ने कहीं किसी स्टेज पर कुछ मांग लिया, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आपका सब होप खत्म होगा, यू बिकेम होपलेस। देयर आर स्टेजेस इन लॉ, सो हैव दैट बिलीफ, बिकॉज एज ए लॉयर इफ यू डू नॉट हैव दिस बिलीफ देन यू विल नॉट रीड द प्रोविजंस, यू विल नॉट ट्राई टू एक्सेल एज ए लॉयर, योर ट्रस्ट विल नॉट बी ऑन द प्रोविजंस ऑफ लॉ बट ऑन योर एबिलिटी टू परचेज। मेरे पास अपने इस वकालत के अनुभव में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट आते ही ये पूछते हैं, सर अपनी क्या और जज से सेटिंग है? एंड दिस इज वेरी कॉमन, ये हमारे देश के वातावरण का दोष है, लोगों को ऐसा बिलीव है कि सब कुछ सेटिंग से हो रहा है। तो मैं कहता हूं सेटिंग तो है, पर जज से नहीं है, लॉ से है। जब आपने लॉ सेट कर लिया ना, तो जज बदलते रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जजेस आएंगे जाएंगे, ट्रांसफर्स होंगे, रिमूव होंगे, रिटायर होंगे, आपकी अगर लॉ से सेटिंग है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लॉ से सेटिंग नहीं करके इंडिविजुअल जज से सेटिंग की है, तो आपकी प्रैक्टिस क्या सिर्फ उतने दिन तक है जितने दिन तक वो जज है? यू आर लिमिटिंग योर स्कोप। सो एज ए फ्यूचर सोल्जर ऑफ लॉ, सेटिंग लॉ से करिए, लॉ के प्रोविजंस पर बिलीव करिए। सो मूविंग अहेड, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव एंड ऑल दैट, चैप्टर 5 अरेस्ट हमने देख लिया। देयर आफ्टर
When you move further, chapter 6 talks about the process to compel a person, the process to compel a person to come before the court. And chapter 7 talks about process to compel a production of a document. Process to compel, chapter 6, appearance by a person. Do you have CRPC with you? Any of you? Yes. Please keep turning the pages. See chapter 6. Process to compel the appearance of a person. And chapter 7. Process to compel a production of a document. Mil raha? Ab ye kya hai? This gives the power to the court to give a direction to a person to appear and also to give a direction to a person to produce a document. You see section 91. Section 91 talks about production of a document. And production of a document can be compelled by the court. The court can compel you to produce a document. Now, these words are prefixed by the word compel. यहाँ पर आप फर्क देखिए. And please understand, every word is important. The word used is compel, not invite. Court आपको invite नहीं कर रहा है कि क्या आप आना पसंद करेंगे हमारे सामने, क्या आपको अच्छा लगेगा कि एक document दिखा दें, ऐसा कुछ नहीं. The language is compel, produce a document. Appear before the court on such and such day. और अगर आपको ये जानना है कि लैंग्वेज क्या होती है, तो सीआरपीसी के एंड में, शेड्यूल 2 में, आपको समन्स के, वारंट्स के फॉर्म्स मिलेंगे. वो फॉर्म्स की लैंग्वेज आप देख सकते हैं. Check it, you'll find it at the end of CRPC. Forms are there in Schedule 2. Mile? Forms hai? And if you read these forms, you'll get the knowledge of the language. And Schedule 1, also see, when you're seeing Schedule 2 at the end of the CRPC, there's Schedule 1, which gives a chart. The table of offenses and by whom it is going to be tried. The table of offenses and by which court it is going to be tried. And what is the nature of that offense, whether it is bailable offense, non-bailable offense, cognizable offense, non-cognizable offense.